मौसम प्यारा लगता है दोस्तों। आप लोगों को पता है ये दोनों क्यों झूम झूम के गाना वगैरह गा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो है ना शहर का मौसम आज बहुत ही जबरदस्त है, के गाने गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे शहर का मौसम जो है आज बहुत 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 ही जबरदस्त है। इसलिए हादी और एहसान जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखें इतना ज्यादा बादल मजे वाले हो रहे हैं ना हमारे शहर में। अल्लाह करे दोस्तों बस बारिश आ जाए, क्योंकि ना गर्मी से इतना ज्यादा हम लोग पची हुए पड़े हैं ना कि दिल चाहते हैं बारिश हो और खत्म ही ना हो। और मजे 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 तो क्यों घूम रहे थे? हाँ पता है मुझे, तुम्हारी याद ही है, पता है मुझे। दोस्तों बारिश की वजह से इंशाल्लाह मौसम जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कल भी हमारे शहर में ना थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। दोस्तों एहसान और हादी जो है ना कल देर तक हमारी डस को जो है ना याद करके परेशान होते रहे हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है, किस लिए? इनको ने बच्चे दे दिए। हाँ सच्ची? किधर है, किधर है? नीचे है गुफा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो, प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? प्रैंक नहीं है। हाँ प्रैंक नहीं है। तुम्हें कैसे पता है फिर? मैंने अभी देखा इधर आया बैठा था, मेरी डर से भाग गया। फिर कहाँ? यहाँ पर आया बैठा था, मैंने अभी देखा मम्मा यहाँ पर आया बैठा था, फिर ना भाग गया। वो सारे भी अंदर है, इनको चिंकू चौको कैंडी इनको पास बैठा है, घास अंदर ले जाती है। किधर है अंदर? तो निकले हुए है ना बच्चे भी। वो देखो हिल रही है ना? नहीं वो देखो हिल तो नहीं है। हिल रही है ना? कहाँ है गुफा? तो अंदर नीचे ज्यादा है ना। तुमने कहाँ से, तुमने कहाँ से देखा है? लगता है बताओ बच्चा। हादी बच्चा किस कलर का था? फिर वो तुझे मारना मैं। बच्चा किस कलर का था ये बताओ मुझे? वो ब्लैक। ब्लैक? हाँ जैसे कैंडी है। हाँ एक ब्लैक था, एक वाइट था। ये लकड़ ये हिला रहा था, ये बच्चे आ गए। हादी मुझे सच बता दो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? दोस्तों हादी ना अभी भी कह रहे हैं कि ना उसने देखा है अपने इधर जो हमारे चोको कैंडी ने गुफा बनाई हुई है, दसरंग बनाई हुई है, कहते उसमें से कोई बच्चा निकला है। पहले भी इसने ऐसे कहा था शायद हो। दोस्तों हमारी कैंडी ने ना बच्चे दिए थे जनवरी में, और इतना मंथ के बाद अगर इसने बच्चे दे दिए ना तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना एहसान। खुशी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, अल्लाह करे दे दिए हो हमारी कैंडी ने बच्चे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी कैंडी का बच्चा चिंकू है ना वो भी फीमेल है, और उसका भी मुझे लग रहा है कि ना उसने भी बच्चे देने हैं या उसने भी बच्चे दे दिए हैं। हादी उसने बाल उतारे हुए हैं ना सारे अपने, चिंकू ने दोनों ने उतार दिए होंगे बच्चे फिर है ना, या तो फिर चिंकू देने वाली होगी बच्चे। पकड़ के लाओ ऐसा चिंकू को, चिंकू को पकड़ के लाओ। हादी जाओ पकड़ के लाओ चिंकू को। मैंने पकड़ चिंकू वो चला गया है अंदर अपनी खुडी में, खुडी में चला गया है। और अगर आप कोई पड़ला रहो मैं उनको एक डंडे से मारता हूँ। किसको? एक गोली मारनी हो और हमारा शेर हो गया वैसे हो गए, जैसे चूजे हो गए, चूजे भी लड़ते हैं अब। हादी लेके आ रहा है। ये देखें दोस्तों हमारी चिंकू ना, ये देखो सारे बाल ये यहाँ से उतारना, हाँ यहाँ से ना इसने सारे बाल वगैरह उतारना शुरू कर दिए हैं। और जब हमारी कैंडी ने दोस्तों बच्चे दिए थे ना तो उसने भी अपने सारे बाल उतार दिए थे, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट जगह बनाते हैं ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ना या तो हमारे चिंकू ने बच्चे दे दिए हैं हमारे चिंकू ने, या फिर ये बच्चे देने वाली है ना। ये कमजोर हो गई है मुझे लगता है, इसने दे दिए होंगे बच्चे। सारे गोशी ऐसे होते हैं। ये देखो बिल्ली भी ऐसे डालो कैसे हो जाती है, बिल्ली भी ऐसे होती है। ये देखो यहाँ से डालो ना फिर भी। नहीं 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 डालो यहाँ से नहीं डालो,
चोट लग जाए, ओए अल्लाह हादी चोट लग जाएगी उसको, छोड़ दो। दूध पी लो बेबी, चलो अभी ये पी रही थी ना। दोस्तों हम लोग समझ रहे थे कि ना हमारी बेबी ने ना दूध पीना छोड़ दिया है और इस वजह से जो बेल है वो तंग भी हो रही है। क्या कर रही हो बेबी? हैंड शेक कर रही है। दोस्तों हम लोग समझ रहे थे कि ना हमारी बेबी ने दूध पीना छोड़ दिया है, लेकिन हमारी बेबी बड़ी होगी और सियानी होगी है। हम लोग परेशान हो रहे थे कि बेला जो है तंग होती है, उसका दूध ज़्यादा भर जाता है, लेकिन इसने ना अब रूटीन बना लिया। एक तो गर्मी की वजह है, मुझे लगता है कि पूरा दिन गर्मी होती है, इसका माँ का दूध जो है गर्म हो जाता है, ये नहीं पीती। जैसे ही हम शाम को बेला को नहलाते हैं ना, तो बेबी जो है दूध पीना शुरू हो जाती है। इसको नहलाते हैं, दूध ठंडा होता है और शाम भी हो जाती है, तो ना हमारी बेबी जो है दूध पीना शुरू कर देती है। हादी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो मैं कहती थी कि ना हमारी बेबी अब बड़ी हो गई है और सियानी भी हो गई है ना, कि हम जैसे इसकी मम्मा को नहलाते हैं, दूध ठंडा होता है, ये फौरन से भी पी लेती है दूध। बच्चे हैं और हादी क्या देख रहे हो? और बच्चे हैं इसमें, तुम क्या देख रहे हो? फिर सुबह से घुसे हो मछलियों के पूल में, क्या देख रहे हो? पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? मम्मी ये मिठू किसका है? किसका है? तुम्हारा है और किसका है? मैं इसको बेचने जा रहा हूँ पेट मार के। क्या कहा? मैं इसको पेट मार के बेचने जा रहा हूँ। फिर से कहो। मैं इसको पेट मार के बेचने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ है? मुझे नहीं बेचने दो कि तुम अपने व्यूअर को बेचूंगा। गाइस इसको भी चाहिए ना, आप मुझे कमेंट में बताइए, जिसको भी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में बताइए किसको चाहिए मिठू। मुझसे पूछे बगैर इसको ब्रेक फरोख्त कर दिया मिठू को। भाई भाई का काम चेक करो हादी, भाई का काम चेक करो जरा। मुझसे पूछे बगैर उसने मिठू को जो ना फार सेल कर दिया ब्रेक फरोख्त। कहते किसी सब्सक्राइबर ने अगर मिठू को लेना है तो मुझे बता दे। मिठू को बेच के क्या करना है तुम्हें पता है? मिठू में कितना अजीज है, चेक भी कर लो बेशक। तुम्हें पता है हमारा मिठू में कितना अजीज है, चेक भी कर लो। तुम इस मिठू को बेचोगे? इस मिठू को देखो, इतने प्यारे मिठू को मुझे जो कुछ भी कर लो, ये दिखेगा। बच्चा बताओ क्या करना है मिठू को बेच के? मिठू को बेच को क्या करना है? क्या करूंगा अपनी? पता नहीं दोस्तों क्या बच्चों के माइंड, पता नहीं दोस्तों क्या बच्चों के माइंड में चल रहा होता है। अब जनाब ने मिठू को बेच के साइकिल लेनी है, एक साइकिल का ये हशर करवा दिया, चोरी हो गई थी अगर मिली है वो तो फिर इस हालत में मिली है, और नई साइकिल लेके इन्होंने जो है तमाशा करना है फिर उसी के साथ, वही वाला ना। पहले गर्मी की वजह से देखो इन दोनों दोस्तों इन दोनों की शक्ल देखें, तो इन गर्मी की वजह से ना इन दोनों की शक्ल देखें कैसी हो गई है, काले स्याह होते जा रहे हैं गर्मी की वजह से। अब साइकिल चला के और ज्यादा काला होना है। हाँ साइकिल चलाने से हवा लगेगी, पसीना आएगा या हवा लगेगी, कैसी बातें करते हो? हादी बेच दे मिठू को, भाई तुम भी भाई के साथ दे रहे हो। मिठू को सेल कर सकती है? मैं तो नहीं करूंगी, ये दोनों कह रहे हैं तो फिर सेल कर देंगे। कितने का सेल करोगे ये तो बताओ? 30,000 का ये मिठू कौन लेगा तुमसे? 30,000 का बोलने वाला। 30,000 चलें देखते हैं कितना डेट लगता है तुम लोगों का मिठू। दोस्तों बच्चों ने जो है मिठू को बड़ा फरोख्त कर दिए है, अगर किसी ने मिठू को लेना हो तो कमेंट में इनका दिल रखने के लिए लाजमी मैसेज कीजिएगा, ताकि ये लोग थोड़ा सा खुश हो सके। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग के साथ, उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दो में याद रखिएगा कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।